हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ साक्षी। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, रेडी हुई हूँ एंड नेल्स देख लो आप मेरे, जो मैंने वो हॉट पिंक कलर के कराए हुए थे ना, जो बिल्कुल मुझे खुद ही चुभने लग गए थे। मतलब बाकियों को तो छोड़ो, मुझे ही अजीब लग रहे थे। मैंने वो हटवा के मैंने बिल्कुल ऐसे न्यूड नेल पेंट पेवी पिंक कलर की लगवा दी। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच बेटर। सो आज मैं भी जा रही हूँ, अंजुम भी जा रहा है, बिकॉज आज कॉन्टेंट क्रिएटर अकेडमी है जो हमारी, तो उसमें बेसिकली हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत टाइम से वो चल ही रहा है, आज उसका लास्ट डे वाला शूट है। सो पहले तो भानु भी था हेल्प करने के लिए, बट अभी भानु वहीं पर है लंदन में। सो आज शूट होगा हमारे कैमरे से एंड बस मैं खा रही हूँ सूजी। आई नो बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, जस्ट फील लाइक। एंड मम्मी यहाँ पे कर रही है हमारा लंच पैक। हम लोगों का क्या है, आलू की सब्जी और पराठे। और पराठे, वाह। आई थिंक थोड़े से बादाम भी खा लेती हूँ। और ये अचार भी पैक कर दो ना तेरे लिए, मिर्च का स्पेशल अचार, बीकानेर स्वीट्स का है। अंशम चल, दाल चावल के साथ पराठे और आलू भी पैक करना, जल्दी बता। मम्मी पूछ रही, जल्दी बता। छोले भटूरे खाऊंगा। क्या सीता राम के छोले भटूरे? दोस्तों भाई देख, भाई खाना पैक हो रहा है, सीताराम के छोले भटूरे ऐसा होगा कि एक प्लेट में सब खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक प्लेट मेरी और तुम्हारी, एक प्लेट में तुम सब खा लेना। गाइस को छोले, उस दिन जब लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा जब प्रीति और आए थे, तो इसको छोले भटूरे में से हिस्सा बहुत कम मिला था, नहीं मिला था। हमें पता नहीं कैसे खाना है, इस बंदे को छोले भटूरे चाहिए। मम्मी ये कह रहे हैं कि मैं छोले भटूरे मंगाऊंगा, देख रहे हो आप इसको, देख रहे हो। चल भाई, इतना ट्रैफिक था ना भाई, पहुंच ही नहीं पा रहे हम। 2-2.5 घंटे हो गए आज, कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है मुझे। नहीं क्या, मतलब वो तो वैसे नॉर्मल ट्रैफिक तो होता है जिसकी हमें आदत है कि 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, बट आज ज्यादा लग रहा है। आज तो सही में हद ही हो गई भाई ट्रैफिक की, पता नहीं क्या है, कहां से लोग क्या ही कर रहे हैं। अब खाली मिली है जो अब जाके रोड, अब जाके खाली मिली है, तो अब जाके मैंने फोन उठाया। इतनी देर से ऐसे ऐसे हो रही थी, मैं बस पहुंच जाऊँ किस तरीके से। ओके सो सलोन पहुंच चुके हैं जी, कैमरा आ चुका है। सो आपको अब क्या करना है, ये काम पे लगना है। सब्सक्राइब दोस्तों, एक और प्लेट, एक और प्लेट, अच्छा ला, एक और प्लेट है। उससे कॉन्फ्रेंस को बोलेगा, मैंने फ्रेंड से मंगवा रही टोस्टी और वो सैंडविच वगैरह, हिमाचल ऑर्डर किया था। हां मैंने कहा हम तो छोड़ पे ना छोले भटूरे, छोले भटूरे मैंने मंगाया भाई, पत्थर आया है वो सॉफ्ट ही नहीं, पर पता नहीं कौन सी सार्डो ब्रेड है। आई थिंक ये जितनी हाँ, ये तो बहुत हार्ड है यार। मैं ना बड़े दिन बाद वटा इटेड ही बनाती हूँ, प्रॉपर हेल्दी। मैंने जैसे इसकी बाइट ली, मेरी वीडियो में अगर मैंने अपलोड करा तो आपने ऐसा आलोगो स्ट्रगल कर ली। थैंक यू। कहाँ पे चल रहा है सेटअप, भानु को हम मिस कर रहे हैं है ना, वरना हम चारों होते थे यहाँ पे। हाँ हमारा मेन बंदा, टेक्निकल वाला बंदा बाहर, एंड बस यहाँ पे ये चल रहा है। एंड दिस इज मी, मुझसे तो आप मिल ही चुके हो। दो मॉड्यूल्स रह चुके हैं, उसके बाद दो रह जाएंगे मानो के, तीन या दो जितने भी हाँ, उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह होगी एंड विद इन वन मंथ के अंदर धमाका होने वाला है। पहली कर देंगे, डन। अब आप ट्रैक कर रहे हो, वो चीजें इवेंचुअली आती है, बट अगर आप पहले सोच के बैठ जाओगे तो भाई आप स्ट्रेस में आ जाओगे एंड आप कंटेंट बना ही नहीं पाओगे। आई लव यू, आई लव यू, आई आई
आई लव यू बोलो बेटा, मम्मी पापा छोड़ो, पहले बोलो मासी और मौसर। मम्मी पापा छोड़ो, मासी मौसर बोलो पहले। मासी माशी बोलो, माशी बेटा बेस्ती नहीं करवानी माशी की, बोलो माशी। नहीं ना, पकड़ रही थे ना। नहीं चलो भाई, चाय पे होगी चर्चा। काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हुआ फाइनली, रिकॉर्डिंग खत्म हुई इनकी, और कंटेंट क्रिएशन का काम अब एडिटिंग का है, और एडिटिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आप लोगों को खरीदना जरूर है। एग्जैक्टली, एंड व्हिच इज हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्लाइंट्स है अंदर। शाम हो चुकी है 7, भाई 7 बज गए हैं, एंड लिटरली अब जाके हम फ्री हुए, एंड अब लव अर्थ की थोड़ी सी स्टोरीज करनी है, एंड कल ट्रेनिंग है भाई, कल सेल्फ मेकअप बैच है, कल फर्स्ट डे ऑफ सेल्फ मेकअप ट्रेनिंग है, 2 दिन का बैच है, और बस उसकी तैयारी भी करनी है। एक भी दिन नहीं मिला इतने महीनों में कि लिटरली एक फेशियल करवा पाऊं, इतनी स्किन को ब्राइटन करता है, आई विल लीव इट। ओए गाइस, तो स्टोरीज बना रही थी मैं, एंड आप देखो हालत, फेस मास्क देखते जिया रिएक्ट कैसे करते, अभी हंस रहे, अभी वो बंदा हंस रहा है। अब हेलो जिया, हाय मासी, आवाज तो पहचानती, हेलो कंफ्यूज्ड, हेलो कौन है, हंस रही है, कौन है, इसको भी आवाज समझ आ रही है, बट इसको ये नहीं पता, ये आवाज तो जानी बचानी है लेकिन चेहरा कोई और है। जिया बप, ये कौन है, नो नो बापू, नो बप, इधर देख, तो कैमरा देख रही है, वो मेरे को देख के वो कर रही है, नहीं कैमरे में देख रहा है, वो इधर देख, जिया ये देख मासी, चौक मेस्मराइज्ड कर रही है बेचारी, तो नहीं लगा उसमें, ये देखो ऐसे फेस मास्क होता है, देख पता है, अब देख, हाँ भाई डरा नहीं आ रही ना, अब हंस रही है, मेरी आवाज सुन के इसको पता लग रहा है कि मैं ही हूँ, मेरी आवाज सुन के हिचकी आ रही है इसको, हाँ, कौन याद कर रहा है इसको सुबह से, भानु, मेरी आवाज सुन के बता रहा है गाइस, हो चले घर चले, अब सारा दिन हो गया, देखो नहीं नहीं अभी तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ गाइस, मैं सुबह से आती हूँ काम करने में, बेचारी बेचारी चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, और पैसे भी नहीं देते मुझे। चलो भाई घर पहुंच गए, मेरे लिए बना हुआ है सूप, एंड मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरा मैगी खाने का पता नहीं क्यों अचानक से मन कर गया है खाना, ये सब्जी कल पैक होगी, मैं कहा हम लोग कल पैक कर दो, ले जाऊँगी अपने साथ। तो आज क्या किया आपने, चिलिंग ये मेरा खाना है मैगी, ये अंशुम का खाना है, ये है पनीर की भुर्जी एंड रोटी, सब हम आराम से अपने कारपेट पे नीचे जमीन में बैठ के खाएंगे, हम ट्राई करते हैं हम बेड पे खाना अवॉइड करें, तो इसलिए हम लोग आराम से आप बैठ के सामने टीवी चल रहा है। एंड भाई मैगी तो ये वाली है, मेरे को ना ऐसी जूसी मैगी बड़ी पसंद आती है, लाइक ड्राई मैगी नहीं पसंद, अंशुम मेरा ऑपोजिट है, अंशुम को ड्राई मैगी पसंद है, और मेरे को प्रॉपर ऐसे मैगी जिसमें रस हो। गुड मॉर्निंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, देख लो भाई आज सुबह सुबह मैं आ गई सैलून, क्योंकि आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा सेल्फ मेकअप कोर्स, और सामान हाथ में अंदर चलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, चाय आ चुकी है, एंड चलो चीयर्स करो ना साथ में, आई थिंक फर्स्ट नंबर पे हिमांशु आई है, सेकंड नंबर पे आप आए हो, एंड सिया नाम जय राम के गाने चल रहे हैं, वेरी नाइस पॉजिटिविटी, वाह। तो गाइस अब होने वाला है चाय पे चीयर्स, चीयर्स टू गुड वाइब्स, चीयर्स करके ना पीना भी होता है, चीयर्स करके सेम दारू वाला रूल होता है चाय के साथ,
आपने किसी चीज को रिस्पेक्ट दी, हमने चीयर्स किया, तो उसके तो चीयर्स का मतलब हमने चीयर्स करके तुम्हें वो रिस्पेक्ट पूरी करनी है। अगर तुम मंदिर जा रहे हो मंदिर के बाहर तो तुम मत्था टेकोगे ना, तो अगर तो फिर चीयर्स करके तुम ऐसे पियोगे शायद, यार मुझे पक्का नहीं पता, मैं भी तुक्के में कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभार, पता है। हाँ भाई हेलो चीयर्स, चलो आप भी आ जाओ। चाय पी के आपकी बीवी ने बनाए, पारुल जी ने बनाए। सारी डायरीज वगैरह ले आया हूँ, पेन ले आया हूँ, नोट पैड लेके आया हूँ, और कुछ लेके आना तो बता दो बस। ऑल गुड ऑल गुड। सो भाई हमारा ये जो बंदा है ऑलराउंडर, वेव्स भी कर देगा मेरे बालों में। अजी हमारा साथी है, इन साथ में चायोस। सो बस अब हम शुरू करने वाले हैं, उर्वशी इज गेटिंग रेडी, बस अपनी ये दो चिमटियां करने हैं, ट्विस्टियां बनाती हूं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे। स्टूडेंट्स आ चुके हैं एंड ये लास्ट मिनट वाला बैच था ना, छोटा सा बैच लास्ट ब्रेक, परसों तो हमने दो दिन पहले अनाउंस किया हमने, से क्विक वाला अनाउंस किया, बट अब ऐसे बैचेस हम करते रहेंगे क्योंकि लोग ना वेट करते हैं सेल्फ मेकअप का। सुबह आया मैसेज कि वो शिट मैंने आपकी स्टोरीज मिस कर दी, बंदे ने अपने हिसाब से होता ना प्लान्स बनाए होते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं खान पान। लंच टाइम नहीं, तुम लोग खाओ, मैं अपने लिए सब्बे मंगाया हुआ है, मतलब मैं अपना लंच लेकर आई हूँ, फिर भी सब्बे मंगाया, बड़े टाइम से सब्बे। आप क्या लाए हो? खिचड़ी। आप? आलू सोयाबीन ये साग है जो विकास लाया। अच्छा, और विकास वही साग, और किसने बनाया? आपकी बीवी ने, बीवी नंबर वन बीवी, और आपने किसने बनाया? खुद बनाया, और आपका खुद बनाया। सो प्रैक्टिस एंड ऑल चल रही है, फर्स्ट डे था आपका, इन्होंने इतनी सुंदर लुक करी अपने ऊपर, सेल्फ मेकअप है, बहुत अच्छा था। मुझे बेसिक आता था लेकिन उसको थोड़ा एडवांस करके सीखना मुझे अच्छा लगा, मुझे काफी चीजें पता चली, और अच्छे ब्रांडेड अच्छे प्रोडक्ट्स भी मुझे पता चले। अरे चलो, तो मैं उनको जरूर लेना चाहूंगी, जिसकी वजह से मेरा स्किन इतनी ग्लो कर रही है, फेस अच्छा लग रहा है। अरे वाह क्या बात है, चलो मतलब हम पास हो गए। हो गए ना हम पास, ठीक है। तो सेल्फ मेकअप बैच इज ऑलमोस्ट ओवर, और मैं बस अपने बाल मेरा टचअप करवा रहा है, सो ये वाला पार्ट बेसिकली नीचे आ चुका है एंड टचअप करवा रही हूँ। एंड बंदा यहाँ पर है, चिया हमारा उठ चुका है, सो रहा था, और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग थी, वाज रियली नाइस। और नीलम जी भी हमारे साथ, कैसा लगा? बढ़िया, सीखा कुछ? हाँ बहुत कुछ सीखा ना, बस आज का दिन खत्म हुआ है, यही चल रहा है अभी सलोन में, अजय भी है। और भाई मुंडी देखो मेरी, यानी लोग मुझे कह रहे हैं सैलरीज बनाओ, कैसे बनाए बंदा बता, अभी छोड़ू बंदे का मुंडी मुंडा पीछे है, कैसे बनाओ नहीं बताओ, अभी ग्लोबल लगाओ ना। हाँ हाँ, कह रहे मैम आप फ्री हो अभी, सैलरीज बनाओ। सो बस फाइनली मैं घर पहुंची हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, मैं सिर्फ टचअप कराया था यहाँ पे बालों पे, एंड उसी से इतना डिफरेंस लगता है ना, अगर तुम रूट टचअप भी करा लो तो लगता है कि फ्रेशन अप हो गया मेरा हेयर कलर। सो बस अगर यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो, सो यू जस्ट नीड टू लाइक द वीडियो, आई थिंक यू कैन डू इतना ही, तो कर सकते हो। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो मेरे साथ तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रही हूँ घर, ये वाला रेड बटन प्रेस करो, विवर पर्वत से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को,